हेलो शर्बानी, वेलकम, से हेलो टू द शान स्टूडेंट्स। टू सी यू। तो शर्बानी एंड आई यूज टू वर्क टुगेदर इन उड़ीसा, एक ऐसे ही एक स्कूल में। तो वहां पे हम स्पेसिफिकली शर्बानी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पे काम कर रही थी, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड हर टू हेल्प मी आउट हियर। अभी अपार्ट फ्रॉम लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो सब मैं नहीं जाऊंगा, बट या अभी शी इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद ग्राम विकास, द सेम ऑर्गेनाइजेशन जो हम उड़ीसा में काम करते थे। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट, एंड टुडे वील स्टार्ट विद व्हाट विद द इंग्लिश अल्फाबेट एंड वर्ड्स। एंड या शर्बानी प्लीज। थैंक यू ईशान, ऑलवेज वेल गुड टू कोलैबोरेट विथ यू। एंड एज यू हैव ऑलरेडी सेड, बोथ ऑफ अस वेर SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोज एट ग्राम विकास 2 years अगो। एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स, एंड अ लॉट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दीज वीडियोज, वो सब वहाँ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसी से दीज आउटकम्स हैव कम आउट। जो हमने प्रैक्टिकली क्लास में देखा, मैंने और आपने, उसी से हमें जो लगा कि ऐसे करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है, और जो हमने फिर क्लास में ट्राई किया और जो हमारे क्लासेस में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी फॉर रहा, श्योर, या तो हम उसको अभी ट्राई करेंगे। होपफुली हू एवर इज वॉचिंग इट विल सॉर्ट ऑफ लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड फाइंड इट यूजफुल। सो एब्सोल्युटली। हियर गो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंग्लिश अल्फाबेट। साउंड्स अ लिटिल बेसिक कि एकदम अल्फाबेट से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। जो थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको अल्फाबेट तो पता ही होता है, बट द आइडिया इज दैट यू बिगिन द लैंग्वेज एट द बिगिनिंग। हम चाहते हैं ऐसा कि आप सीखिए तो शुरू से सीखिए और ठीक से सीखिए। सो विल जस्ट डू अ वेरी क्विक रिफ्रेशर ऑफ व्हाट वी नो ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, और हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारी अपनी अल्फाबेट है, जो हिंदी की वर्णमाला है फॉर इंस्टेंस, उससे कैसे अलग है, क्या डिफरेंसेस हैं एंड व्हाई दोज डिफरेंसेस मैटर। और होपफुली जब आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े बच्चों वाली चीज है या एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आई करेंगे। रिमेम्बर यू मेड दिस मॉड्यूल फॉर द सेम रीजन, क्योंकि बच्चों में एक झिझक रहता है इंग्लिश के प्रति। सो इनफैक्ट दैट आई थिंक दिस इज व्हाट द फर्स्ट लेसन वाज अबाउट इनिशियली। इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट है ना। या चलिए फिर। द आइडिया ऑफ द लैंग्वेज इज टू स्टार्ट हियर विथ द अल्फाबेट। तो जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, 26 लेटर्स ऑन द लेफ्ट इन स्मॉल लेटर्स एंड देन सम ऑफ देम ऑन द राइट इन कैपिटल लेटर्स। एंड फॉर द व्यूअर्स आई विल सजेस्ट आप एक एक्सरसाइज करके देखें कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट लिखने में कितना टाइम लगता है और आपको हिंदी वर्णमाला लिखने में कितना वक्त लगता है। एंड आई कैन टेल यू मोस्ट ऑफ यू विल फाइंड इट इजियर एंड क्विकर टू राइट डाउन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको हिंदी वाला उतना नहीं पता रहेगा या यू विल नॉट बी वेरी श्योर अबाउट सम थिंग्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट जैसा हमने देखा, 26 लेटर्स होते हैं उसमें, 5 वावल्स AEIOU जिसको हम लोग स्वर बोलते हैं हिंदी में, 21 कॉन्सोनेंट्स जिसको हम लोग हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। और इंग्लिश में एक चीज है कि उसको दो तरह से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, जिसको अपर केस और लोअर केस बोलते हैं। दिस इज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन हिंदी। हिंदी एक ही तरह से लिखी जाती है, उसमें कोई कैपिटल स्मॉल नहीं होता है। तो आपको आई विल सजेस्ट ट्राई करिए कि इंग्लिश अल्फाबेट लिखिए, इफ यू आर राइटिंग ऑन नोटबुक और वेर एवर यू आर राइटिंग, एक पेज में लिखिए इंग्लिश के अल्फाबेट और दूसरे साइड में हिंदी या वट एवर योर मदर टंग इज, और आप देखिए कि आपको क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं, क्या डिफरेंसेस दिखते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, क्या आपको ऐसे लेटर्स दिखते हैं जो इंग्लिश में हैं हिंदी में नहीं है, या हिंदी में हैं इंग्लिश में नहीं है। इट्स अ फन एक्सरसाइज। साउंड्स स्पेशली, कुछ साउंड्स जो होंगे आपको बस हिंदी में ही मिलेंगे, जो इंग्लिश में नहीं होंगे, वैसी थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल, ट इज वन ऑफ दोज साउंड्स विच इज नॉट देयर इन इंग्लिश, और सुनने में बड़ा ऑड लगता है कि भाई देर इज नो त इन इंग्लिश बट देर इज। हाँ, ठ ऐसे से कई है यार। सही तो सही। हिंदी अल्फाबेट है अप टू 48 कहीं कहीं,
The way I learned it had 48 letters, of which 12 were vowels. अभी जो हमने त और ठ की बात की, हिंदी में क्या है कि ईच लेटर हैज ओनली वन कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड. तो आप त जैसे लिखते हैं, हर जगह त एक ही तरह से लिखा जाता है. बट इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव द त साउंड, तो आइदर यू राइट टी और यू राइट टी एच और यू डू समथिंग टू कन्वे द, जो कि हम लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस में वो चीज नहीं है. सिमिलरली कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वाली बात भी हिंदी में नहीं है, एंड इंग्लिश में ही टीएच इटसेल्फ कैन चलती हैव है. डिफरेंट साउंड्स लाइक यू नो द टीएच इटसेल्फ डिफरेंट साउंड्स, इट्स द, इट्स ठ, इट कुड बी द, आई मीन टी एच ई, द इज अ टी एच, और इसीलिए शुरुआत बाहर में दिक्कत भी कुछ. आती है ना, जो आप बोल रहे थे फोनेटिक नेचर, हिंदी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वे, जैसा लिखेंगे वैसे ही आप पढ़ेंगे. यस, एंड दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली सीनियर स्टूडेंट्स, लेट टीनेज एंड एडोलेसेंस को ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है एंड दे कैन नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज दे फाइंड दीज डिस्क्रिपेंसीज कि भाई हिंदी में तो जैसे लिखते हैं वैसे ही बोल देते हैं, पर इंग्लिश में तो वैसे नहीं बोल रहे हैं. सो दैट्स वन ऑफ माई मेन रीजन्स वाई आई चूज टू बिगिन विद द अल्फाबेट, सो दैट वी रियलाइज दिस कि भाई इंग्लिश एक दूसरी भाषा है, उसके अपने रूल्स हैं, इट इज नॉट अ वर्जन �फ हिंदी. तो आप के रूल्स अप्लाई करके इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं. एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट आपको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती है, इट्स अ बैड थिंग, और एब्सोल्युटली या आप नहीं सीख सकते हैं इंग्लिश. ऑफकोर्स आप सीख सकते हैं, सीखने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द लैंग्वेज विथ इट्स ओन ग्रामर, विथ इट्स ओन रूल्स, विथ इट्स ओन स्ट्रक्चर्स. तो हमें यही याद रखना है व्हाई वी आर लुकिंग एट द अल्फाबेट नाउ, इज टू ब्रिंग होम द फैक्ट कि इंग्लिश इज नॉट स्पोकन द सेम वे दैट इट इज रिटन. उसका हर लेटर का अलग अलग साउंड होते हैं. डी कैन बी ड एंड द एंड समटाइम्स इट्स साइलेंट. वी हैव साइलेंट लेटर्स इन हिंदी, राइट? हमको कुछ वो प्रॉब्लम ही नहीं है साइलेंट होने का, कोई भी लेटर. बट इंग्लिश हैज दीज रूल्स, तो हमको इंग्लिश उसके हिसाब से सीखनी है. इंग्लिश को हम जो भी लैंग्वेजेस हम जानते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल, आई मीन विच इज अ रियली बिग थिंग. इफ यू गो आउट इन द वर्ल्ड देर आर सो मेनी पीपल हु नो ओनली वन लैंग्वेज और एट मोस्ट टू एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट. बट हम लोग ऑल ऑफ अस प्रैक्टिकली आर बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल और मोर. तो इंग्लिश भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट वही है कि यू हैव टू लर्न द बेसिक्स राइट. एंड वन ऑफ द बेसिक्स टू लर्न इज दिस दैट वी हैव टू रिमेम्बर कि इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना आर टू स्लाइटली डिफरेंट थिंग्स. सो लॉन्ग एज वी नो दैट, देन वी गो ऑन टू हाउ इट वर्क्स एंड वॉट कैन बी डन. आई मीन इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड ईशान प्लीज. जस्ट वन थिंग आई लर्न रिलेटेड टू दिस, कि बिगिनर्स में अक्सर जैसे ये दिक्कत आती है ना कि आप, क्योंकि अगर बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल है तो आप सोचते हिंदी में एंड देन यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट, और उससे बड़ी गलतियां होती है. जैसे आई थिंक यू विल बी एबल टू बेटर इलस्ट्रेट दिस, कि क्योंकि हिंदी में आप जो सोचते हैं वो ग्रामर आप इंग्लिश में लगाते हैं, दैट्स व्हाई देयर आर अ लॉट ऑफ एरर्स आई फील शुरुआत में. द अदर थिंग इज कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, अगर आप उसका स्ट्रक्चर शुरू में नहीं सीखेंगे तो क्या होता है कि वी जस्ट कीप लर्निंग स्टफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाई इट इज द वे इट इज. ऐसा है, इसको रट लो, तो रट के लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं क्योंकि देर आर रूल्स, देर आर एक्सेप्शंस, वो सब प्रैक्टिस से होता है. एंड एज यू प्रैक्टिस यू इम्प्रूव, यू यू कांट हैव इट ऑल इन वन डे. एब्सोल्युटली सही है. सो देन लेट्स मूव वही ऑन. बात है, लेट्स मूव ऑन. सो द थिंग अबाउट अल्फाबेट इज लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ओके एक्सेप्टिंग चाइनीज विच आई डोंट नो, बट आई हैव हर्ड इट सेड दैट इन चाइनीज एवरी लेटर ऑल्सो हैज अ मीनिंग, बट इंग्लिश एंड इन हिंदी द लेटर डज नॉट हैव एनी मीनिंग. जब हम क लिखते हैं या ट लिखते हैं या ए बी सी डी लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, देर इज जस्ट अ साउंड दैट वी एसोसिएट विद दैट. एंड देन वी पुट दीज लेटर्स टूगेदर विच मेक्स अ वर्ड.
But then the word has this added component of meaning. Yeah. And that is how we figure out which group of letters is a word and which one is not. So, hum keh rahe hain, okay, T-A-L-K with a silent L. So, we say talk is a word because it means something which we all understand. Mujhe bhi pata hai talk ka meaning kya hai, aapko bhi pata hai. अगर आपको नहीं पता है तो आप डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं. तो देयर इज अ जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ टी एल के विच इज बात करना या बोलना. एंड विच इज एक्सेप्टेड थ्रू कन्वेंशन. हमने ही दिया है वो मीनिंग. इट्स लाइक नॉट गॉड ओर्डेंड और समथिंग. बट देन देयर आर अदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स लेटर्स विच डू नॉट हैव एनी मीनिंग. तो उसको हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ टी ए एल के इफ वी से के एल ए टी दैट्स आई डोंट थिंक इट्स अ वर्ड. आई होप इट्स सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश बट टू बी ऑन द सेफ साइड वी विल से इफ वी से टी बी एल के देन टी बी एल के इज नॉट अ वर्ड. वी नो दैट बिकॉज देर इज नो मीनिंग. तो किसी भी ग्रुप को यहाँ पे भी हम लोगों को हिंदी स्पीकर्स को ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसा उसको लिख देते हैं. is how we write Hindi and that is why sometimes we get the spellings in English. और फिर हमको लगता है कि हे भगवान this is too difficult we can't do this and then the spiral begins again. The whole point of our discussion today is to say भाई वो spiral की जरूरत नहीं है. You have to treat it as any other subject that you don't know, any other language that you don't know. If you were learning Russian today, for example, तो आप 10 दिन खुद को expert नहीं बना सकते. And you are also aware कि आप 10 दिन में खुद को expert नहीं बना सकते. But when it comes to English, तो suddenly हमको लगता है कि all of us should start at a level at which, you know, people who are native speakers of English should, which I think is an unfair expectation on our own part. हम लोग कुछ ज़्यादा ही demand करते हैं. मेरे को तो लगता है दो ही मेन दिक्कत है, एक जो झिझक और दूसरा प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, यू नो, एब्सोल्युटली टू गेट ओवर दीज माइंड ब्लॉक्स. सो थिंक दैट इज वेयर वी आर. और सो वी हैव कवर्ड द अल्फाबेट एंड वी हैव गॉट टू वर्ड एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट वन देन वी विल टॉक अबाउट bigger things. We'll talk about sentences and the types of sentences that exist and how we identify them. कैसे हम पहचानेंगे कौन सा sentence है कौन सा नहीं है कौन सा किस तरह का sentence है. I think that is the logical next step, if you agree. Absolutely, thank you Sharbani for doing this and see you next time.